आज करते हैं वर्डोलॉजी 47। व्हाट अ गॉर्जियस डे इट इज। गॉर्जियस मींस होता है बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा, सुंदर, खुशनुमा, आकर्षक। कितना सुंदर दिन है यार, कितना आकर्षक दिन है यार। दैट विच इज गॉर्जियस गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्लीजर और इज वेरी अट्रैक्टिव। कोई भी चीज जो गॉर्जियस होता है वह आपको बहुत ज्यादा खुशी देता है, बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। नाउ डू नॉट स्पॉइल दिस ब्यूटीफुल डे बाय नैरेटिंग अ गोरी डेथ सीन्स। अब आप इस सुंदर दिन को खराब मत कर दीजिए। स्पॉइल कर देना मतलब खराब कर देना, बर्बाद कर देना। गोरी मीन्स होता है रक्त रंजित, खून से सना हुआ, रक्त रंजित डेथ सीन, डेथ मतलब मौत, सीन्स मतलब दृश्य। कहते हैं खून से सना हुआ या रक्त रंजित मौत के दृश्य की कहानी सुनाकर इस सुंदर दिन को आप खराब मत करिए। गोरी सिचुएशंस इन्वॉल्व पीपुल बीइंग इंजर्ड और डाइंग इन अ हॉरिबल वे। गोरी स्थिति जो होती है उसमें लोग घायल होते हैं, मर रहे होते हैं, एक भयानक दृश्य होता है। दे आर फुल ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस, उसमें अत्यधिक, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक होता है, वायलेंस मतलब हिंसा, एंड अनप्लीजेंटनेस मतलब अप्रियता। तो इस तरह की जो गोरी सीन्स होती है, गोरी जो कहानी होती है, वो क्या होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हिंसा होती है और बहुत ज़्यादा अप्रिय चीज़ें होती है। गोरी कम्स फ्रॉम गोर। गोरी जो बना हुआ है वर्ड, ये गोर से बना हुआ है, इसका मतलब होता है ब्लड। डू नॉट बर्डन मी विथ ट्रेजिक न्यूज व्हेन आई एम फीलिंग एज लाइट एज अ गोसावर। कहता है आप मुझे दुखद घटना देकर के, दुखद घटना की, ट्रेजिक न्यूज होता है दुखद घटना, और ट्रेजिक न्यूज मतलब दुखद न्यूज, दुखद घटना की न्यूज देकर के आप मुझे बोझिल मत करें, मुझे बर्डन मत दे, उसका बोझ मत दे, जबकि मैं इतना आसान, इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ जितना कि गोसावर। गोसावर क्या होता है देखिए, गोसावर इज लाइट सिल्की थ्रेड। गोसावर का मतलब होता है पतला सा रेशम जैसा धागा। लाइट मीन्स हल्का, सिल्की मीन्स रेशम सा, थ्रेड मीन्स धागा। तो गोसावर इज द लाइट सिल्की थ्रेड विच स्पाइडर्स लीव ऑन ग्रास एंड बुशेस एंड बिटवीन ट्रीज। आप जब देखेंगे मकड़ी का जाल, तो मकड़ी के जाल में जो मकड़ा, जो स्पाइडर्स मकड़ा जो होता है, वो क्या करता है, जाल में जो पतला पतला धागा की तरह बनाया रहता है, तो वो क्या होता है, एकदम हल्का होता है, समुद्र दुनिया की सबसे हल्की और मजबूत चीज़ मानी जाती है। तो गोसावर कहता है कि मैं उतना हल्का महसूस कर रहा हूँ जितना कि गोसावर। गोसावर क्या होता है, गोसावर इज लाइट सिल्की थ्रेड, एक पतला रेशम की धागा होता है, विच स्पाइडर्स लीव ऑन ग्रास, जो मकड़ियाँ घास पर छोड़ती है, एंड उसे झाड़ी पर छोड़ती है, एंड बिटवीन ट्रीज और पेड़ों के बीच। सो गोसावर इज यूज टू इंडिकेट एनीथिंग वेरी लाइट, थिन, डेलिकेट और फ्रेजाइल। तो इस तरह से गोसावर का जो फिगरेटिव मीनिंग हो गया, वो हो गया कि कोई भी चीज़ जो इंडिकेट करता है कोई भी चीज़ के हल्का होने का, पतला होने का, नाजुक, डेलिकेट मीन्स नाजुक होने का, फ्रेजाइल मतलब भंगुर, जो आसानी से टूटने वाला होने का, जो बोध हो तो उसे कहते हैं गोसावर। What is the difference between gourmand and gourmet? What is the difference between gourmand and gourmet? इसका pronunciation आप ध्यान रखेंगे, gourmet नहीं कहेंगे, gourmet. What is the difference between gourmand and gourmet? Gourmand और gourmet में क्या अंतर होता है? Let's see. A gourmand is gluttons. Gluttons मतलब पेटू, eats a lot, जो बहुत ज़्यादा खाता हो. While a gourmet is more of a connoisseur. कन्वाइजर क्या होता है, वन हु नोज एंड चूजेस फूड, जो जानता है खाना के बारे में और सही सिलेक्शन करता है, कन्वाइजर होता है ऑफ फूड। प्लेट मीटर कहते हैं, एक गुरमैंड इज ग्लटन्स, गुरमैंड कहते हैं पेटू को। वैसे तो ग्लटन्स का साइनो दोनों है, गुरमैंड और गुरमे दोनों है, बट मोर ज़्यादातर क्या होता है डिफरेंस है इसमें क्या, गुरमैंड एग्जैक्ट साइनो है गुरमे ग्लटन्स का, पेटू का, जबकि गुरमे का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो खाने के बारे में
जानकारी रखता हो, कॉन्वाइजर हो, खानों का जानकारी, कॉन्वाइजर सब एसएससी का फेवरेट वर्ड है, स्पेलिंग एरर्स में भी पूछता है कई बार, और आपको ये पूछा जा सकता है वर्ड मीनिंग में भी। तो कॉन्वाइजर मतलब वन हु नोज द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड्स एंड नोज हाउ टू हैव सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर फूड। ओके, तो खाने के बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कॉन्वाइजर। और जो कॉन्वाइजर है वो क्या आता है? गुरमे होता है। एंड नाउ द डिटेल्स, चलिए गुरमे और गुरमैन के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। एक गुरमैन इज अ पर्सन, गुरमैन उस व्यक्ति को कहते हैं हु इज टू इंटरेस्टेड इन ईटिंग एंड ड्रिंक, जो खाने और पीने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है। ही इंजॉय लार्ज अमाउंट्स, खास करके खाने का मतलब उसका होता है बहुत खाना, बड़ी मात्रा में खाना। If you call a person gourmand, अगर किसी व्यक्ति को आप gourmand कहते हैं, you disapprove of him, तो आप उसे अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसे खराब कर रहे हैं, किसी को आप जो सोच रहे हैं किसी को पेटू कहेंगे, मतलब कि आप अच्छे से उसमें कहते हैं नहीं, तो डिसअप्रूव वर्ड का प्रयोग किया जाता है कि आप उसे सहमति नहीं दे रहे, मतलब अच्छा नहीं कर रहे हैं। A gourmet is a person who knows a lot about food and drink, जबकि gourmet वैसा व्यक्ति होता है जो खाने और पीने के बारे में बहुत जानकारी रखता है। And is good at choosing combinations of dishes, good wines, etc. और उसे पता होता है कि किस तरह के भोजन का मेल करना चाहिए, किस तरह से किस चीज़ के साथ क्या खाना चाहिए, और कौन सी अच्छी वाइन है, कौन सी खराब वाइन है, सारी चीज़ों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कन्वाइजर कहलाएगा या फिर गुरमे कहेंगे। ही इंजॉयज गुड फूड, वह क्या करता है? अच्छे भोजन का आनंद लेता है। गुरमे गुरमे फूड इज नाइसर और मोर अनयूजुअल और सोफिस्टिकेटेड दैन ऑर्डिनरी फूड एंड इज ऑफन मोर एक्सपेंसिव। जो गुरमे अगर भोजन एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे खाने के लिए, तो उसका मतलब होता है गुरमे फूड का मतलब हो गया कि ऐसा फूड जो काफ़ी अच्छा हो और असाधारण हो और अत्याधुनिक हो, बजाय इसके कि आम खाना के बजाय। और अक्सर गुरमे जो फूड होता है दैट इज वेरी कॉस्टली। ही grabbed मतलब था पकड़ लेना। ही grabbed द मनी एंड ran off, उसने पैसे को पकड़ा और भाग गया। इफ यू टेक होल्ड ऑफ समथिंग विद अ सडन ग्रब मूवमेंट स्पेशली फॉर अ बैड और सेल्फिश पर्पस यू grab इट। कहते हैं जब कभी भी आप किसी चीज़ को अचानक एक झटके के साथ पकड़ लेते हैं, खास करके बैड उद्देश्य से, बुरे उद्देश्य से या स्वार्थपन से, तो आप इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? grab। He grabs at every opportunity to make money and cares little whether it is honest or dishonest। वह पैसे कमाने के हर मौके को का फायदा उठाता है, बजाय इसके कि इस बात की वह थोड़ी भी परवाह नहीं करता है कि यह जो तरीका है यह सही है या गलत है, मतलब ईमानदारी वाला है या बेईमानी वाला है, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। That is, अर्थात He takes advantage of the opportunity eagerly, अर्थात वह मौका का फायदा बड़ी उत्सुकतापूर्वक तरीके से उठाता है। With his money, he has built a beautiful house, अपने पैसे से उसने एक सुंदर घर बनाया है। Now, however, अब हालांकि he has decided to sell it, अब उसने निर्णय लिया इसको बेच देने का। The house is up for grabs, ₹4.3 crore। अब देखो कहता है up for grabs, मतलब बिकने के लिए तैयार है, तो द हाउस इज अप फॉर ग्रैब्स, घर बिकने के लिए तैयार है ₹3 crore में। दैट इज अर्थात इट इज अवेलेबल टू एनी वन हु इज इंटरेस्टेड, अर्थात यह घर रेडी है उन लोगों के लिए जो भी इसको खरीदने में रुचि रखते हैं। एक ग्राफ्ट इज अ पीस ऑफ कट फ्रॉम वन प्लांट एंड टाइड टू और प्लेस द इन साइड अ कट इन अनदर सो दैट इट ग्रोज देयर। देखो आप पेड़ों का कलम लगाना सुन रखा होगा, तो ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट करना मतलब होता है कलम लगाना। अब क्या करते हैं, देखो अभी इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक ग्राफ्ट इज ए पीस ऑफ कट, एक किसी भी पौधे का एक टुकड़ा काट लेते हैं फ्रॉम वन प्लांट, एक पौधे में से, एंड टाइड टू, या तो दूसरे में बांध देते हैं या प्लेस्ड इन साइड, या थोड़ा सा कट लगा करके उसके अंदर घुसा के डाल देते हैं दूसरे में, सो दैट ताकि इट ग्रोज देयर, ताकि वो वहाँ ग्रो करे बढ़े। This process is known as
ग्राफ्टिंग, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं, कलम लगाना कहते हैं, विच ऑफन प्रोड्यूसेस ए न्यू वैरायटी। जब ग्राफ्टिंग करते हैं दूसरे दो अलग अलग वैरायटी के पौधे को, तो ये तीसरी वैरायटी पैदा हो जाती है। इफ यू ग्राफ्ट वन आइडिया और सिस्टम ऑन टू अनदर, इसी तरह से अगर आप किसी आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ ग्राफ्ट करा रहे हो, मेल करा रहे हो, मतलब क्या, यू ट्राई टू ज्वाइन ऑन टू द अदर, मतलब अपनी आइडिया को, एक आइडिया को दूसरे आइडिया में मिलाना चाह रहे हो, ज्वाइन करना चाह रहे हो। आई हर्ड इट ऑन द ग्रेपवाइन दैट द मल्टीनेशनल्स ग्राफ्ट देयर ओन मेथड्स ऑन द इंडियन स्ट्रक्चर। तो ग्रेपवाइन क्या होता है, अनऑफिशियल न्यूज मिलना, किसी को बात करते हुए सुनना, मतलब कोई औपचारिक रूप से न्यूज नहीं मिल रहा है, बट क्या होता है, किसी को बात करते हुए किसी सुना आपने, तो इस तरह से बिना ऑथेंटिक वे के आपको कोई खबर मिलती है। तो कहता है आई हर्ड इट ऑन द ग्रेपवाइन, मैंने किसी को बात करते हुए सुना कि मल्टीनेशनल्स जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन ग्राफ्ट देयर ओन मेथड्स, कि वे अपना तरीका खुद अपनाएंगी भारतीय स्ट्रक्चर पे, मतलब मल्टीनेशनल जो भारत में आई है वो अपने तरीका से भारत के जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, बनावट है, इसमें वो अपने तरीका से अपना व्यवसाय करेगी। If you hear something on through the grapevine, if ये आपको याद करना पड़ेगा, on the grapevine या through the grapevine, ठीक है, you hear it in casual conversation with others, तो आप इसे सुनते हैं दूसरे किसी व्यक्ति को आम बात करते हुए, और इस तरह से आप इस चीज़ को सुनते हैं। The grapevine is an unofficial way of spreading news. Grapevine क्या होता है, किसी भी खबर को अनौपचारिक तरीके से, unofficial का मतलब होता है अनौपचारिक, किसी भी खबर को अनौपचारिक तरीके से फैलाने के जो तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेपवाइन। इट ऑफन ग्रेटिफाइज आवर हंगर फॉर स्पाइसी न्यूज, ग्रेटिफाइज होता है संतुष्ट करना, खुशी प्रदान करना। इट ऑफन ग्रेटिफाइज गिव्स प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन, मतलब खुशी प्रदान करना, संतुष्टि देना। आवर हंगर फॉर स्पाइसी न्यूज, हमें जो चटक मसालेदार जो न्यूज के लिए जो भूख लगी रहती है, तो उसको ये संतुष्टि प्रदान करता है। ग्रेटिफाइज के नाम पर संतुष्टि प्रदान करना, खुशी देना। बिसाइड्स इसके अलावा द ग्रेप वाइन प्रोवाइड्स अस न्यूज ग्रेटिस, तो न्यूज ग्रेटिस मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मुफ्त में मिलता है। तो इसके अलावा क्या है कि यह खबर जो होता है फ्री में मिल जाती है। न्यूज ग्रेटिस दैट इज, अर्थात यू डू नॉट हैव टू पे फॉर इट, अर्थात इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। You are in need of a certificate today. आज आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत है। The clerk concerned says, संबंधित क्लर्क, देखो क्लर्क कंसर्न मतलब इससे संबंधित, जिस विभाग से जुड़ा हुआ है उसे संबंधित क्लर्क, किरानी ने कहा, क्या कहते हैं, कम टुमारो, कल आओ, वट इज द वे आउट, कोई काम है आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आप जाते हैं सर्टिफिकेट वाले क्लर्क के पास, उसे जुड़े हुए जो क्लर्क है उससे, जब आप उसे कहते हैं कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो क्या कहता है, कम टू, तो आप उससे कहते हो व्हाट इज द वे आउट, भाई कोई रास्ता निकालो, क्या उपाय है कि आज मिल जाए, व्हाट इज द वे आउट, क्या रास्ता है इसके लिए। ग्रीस द पाम ऑफ द क्लर्क एंड टुमारो बिकम्स नाउ, कहते हैं ग्रीस द पाम, या फ्रेज है, ग्रीस द पाम मतलब होता है रिश्वत देना, कहता है किरानी को, क्लर्क को रिश्वत दो, मुट्ठी गर्म करो, बस ये जो कल का रहा है टुमारो का रहा है वो क्या बदल जाएगा, नाउ अभी बन जाएगा, मतलब जो कह रहा है कि कल सर्टिफिकेट मिलेगा, पैसे दोगे अभी मिल जाएगा। इफ यू ग्रीस समवनस पाम, अगर आप किसी व्यक्ति के पाम को ग्रीस करते हैं, वैसे आप समझ लीजिए ग्रीस होता है चिकना पदार्थ उसको बोलते हैं, और पाम मतलब हथेली, किसी को पाम हथेली में चिकना मतलब ग्रीस लगाते हैं, मतलब क्या हो गया, यू गिव हिम मनी इन अ सीक्रेट और डिसऑनेस्ट वे इन ऑर्डर टू परसुएड हिम टू डू समथिंग, आप गोपनीय तरीके से, बेईमानी तरीके से उसे पैसे देते हैं ताकि कुछ करने के लिए उसे मनाया जा सके, प्रसवेट किया जा सके, मनाया जा सके। इट्स पाम दस बीइंग ग्रीस्ड ऑफन, इस तरह से उसके उसको अक्सर रिश्वत मिलते हैं, मतलब उसके पाम में हमेशा ग्रीस लगाया जाता है, मतलब अक्सर रिश्वत मिलता है उसे। द क्लर्क सून बिल्ड्स अ बिग हाउस, और किरानी क्या होता है, तुरंत एक बड़ा घर बना लेता है। ए हाउस दैट वुड मेक यू ग्रीन विथ एनवी, ऐसा घर जिसको देख करके आपको जलन होगी। ग्रीन विथ एनवी यहाँ फ्रेज है, इसका मतलब होता है इससे होना, जलन होना।
वेरी जेलस, जेलसवी साइन है उसका। योर वाइफ देन टॉन्ट्स यू, तब आपकी पत्नी आप पे ताना मारती है, टॉन्ट्स करना मतलब ताना मारना, ठीक है। वेन विल यू गेट सम ग्रे मैटर इन योर हेड, तुम्हारे दिमाग में अकल कब आएगी, तुम्हारे सर में अकल कब आएगी। ग्रे मैटर बोलते हैं ब्रेन पावर, दिमाग की शक्ति, मतलब क्या, तुम्हें कब अकल आएगी, तुम भी पैसे कमाओगे और बढ़िया घर बनाओगे। सो इट्स ऑल अबाउट वर्डोलॉजी लेसन 47। थैंक यू वेरी मच।